दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति के लिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बेहद जरूरी है और खुशी की बात यह है कि इस क्षेत्र में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सागर माला परियोजना के बारे में। भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचा संरचना के विकास तथा माल ढुलाई, आवाजाही आदि के मामले में काफी पीछे है। सकल घरेलू उत्पाद में जहां रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 9% और सड़क परिवहन की 6% है, वहीं बंदरगाहों का हिस्सा लगभग 1% के आसपास है। वर्तमान समय में भारतीय बंदरगाह मात्रा की दृष्टि से देश के निर्यात व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं इस परियोजना के बारे में। सागर माला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। हालांकि इस परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की गई थी। इस योजना द्वारा 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना में 12 स्मार्ट सिटीज तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इस परियोजना के उद्देश्य। बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना, तटीय आर्थिक क्षेत्र में बसे लोगों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना, देश के बड़े तटवर्ती शहरों को बेहतर सड़क मार्ग, वायु मार्ग तथा समुद्री मार्ग से जोड़ना, बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, नए बंदरगाहों का विकास तथा पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। सागर माला परियोजना के तहत विकास प्रक्रिया को 3 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित कर संपन्न किया जाएगा। ये 3 प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं: भीतरी क्षेत्रों से बंदरगाहों तथा बंदरगाहों से भीतरी क्षेत्रों तक माल निकासी व्यवस्था को सुगम बनाना, बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि करना जिनमें बंदरगाहों का आधुनिकीकरण तथा नए बंदरगाहों का निर्माण शामिल है, उपयुक्त नीति और संस्थागत हस्तक्षेपों के माध्यम से पोर्ट लेड डेवलपमेंट का समर्थन करना तथा उसे अधिक सक्षम बनाना, साथ ही एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अंतर एजेंसी और मंत्रालयों या विभागों, राज्यों के माध्यम से संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराना। दोस्तों, इस परियोजना के 4 रणनीतिक पहलू भी हैं: घरेलू कामों की लागत घटाने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को विकसित करना, आयात निर्यात कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय एवं लागत को कम करना, बल्क उद्योगों को कम लागत के साथ स्थापित करना तथा कर लागत में कमी करना, बंदरगाहों के पास पृथक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना कर निर्यात के मामले में बेहतर प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्राप्त करना। वर्तमान समय में वैश्विक समुद्री व्यापार की महत्ता बढ़ रही है। अकेले हिंद महासागर द्वारा दुनिया के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा संचालित किया जाता है। कंटेनर द्वारा तकरीबन 50% व्यापार हिंद महासागर द्वारा होता है तथा आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की योजना जो सागर माला परियोजना की रूपरेखा का ब्यौरा प्रस्तुत करती है के अनुसार इस योजना के
परिचालन से लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की सालाना बचत के साथ साथ भारत का व्यापार निर्यात 110 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से 1 करोड़ नए रोजगारों का सृजन होने की संभावना है, जिनमें 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सागरमाला परियोजना द्वारा कौशल विकास एवं मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों का विकास कर औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए तटीय संभावनाओं का दोहन किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से मछुआरों एवं तटीय समुदायों के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे। यदि इस परियोजना के सामरिक पक्ष पर विचार करें तो ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट के विरुद्ध भारत को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा भी प्रदान करती है। अतः कहा जा सकता है कि सागरमाला परियोजना भारत के लिए न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अपितु सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।